जयपुर के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का बूथ सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आज दो विचारधारा की लड़ाई है। 2014 में मोदी की सरकार तुक्के में बन गई वो ठीक है, एक बार तुक्का सबका चलता है, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता दोनों में काफी अंतर है, वो हमें नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम तो भाजपा कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं। राहुल ने कहा, भाजपा के वायदों में तो खोखलापन है और हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने न्यूनतम आय गारंटी की जो घोषणा की है उससे गरीबों को पैसा मिलने से फायदा मिलेगा और गरीबी हटेगी। हमने किसानों का कर्ज माफ करके उनका लोन खत्म कर दिया। सभा में सीएम गहलोत ने कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, तिवाड़ी 50 साल तक आरएसएस में रहे हैं, लेकिन आज देश खतरे में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ में आ गए। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के सिद्धांत और नीतियां देश को जोड़ती हैं। हमने और गांधी परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। 70 साल में जो किया है वो ये नहीं कर पाएंगे। विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे उनसे, मारेंगे नहीं। अगर मार भी सकते हैं तब भी नहीं मारेंगे, प्यार से लड़ेंगे और आप देखना हराएंगे उनको। और उनको मतलब ठीक है, एक बार तुक्का लग गया 2014 में, वो अलग बात है, मगर हिंदुस्तान का अगर ये इतिहास देखें, उससे पहले देखें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, तो उनको दिखाई देगा कि इस देश में जो नफरत करता है वो हारता है, जो प्यार करता है वो जीतता है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने जाल में ही फंसते हैं, इनको फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने जाल में मतलब आस्ते 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 अपने जाल में ही फंस के गिर जाते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के तिरंगा झंडा, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा था, जब उनको पूछा गया आपका धर्म क्या, तो तिरंगा झंडा मेरा धर्म है। राहुल जी चाहते हैं कि किस प्रकार की कांग्रेस बने आने वाले फ्यूचर के अंदर। उनकी मंशा है कि किस प्रकार एक गांव में बैठा हुआ इंसान भी जो कांग्रेस की नीतियां, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जमाने से बनी और चली आ रही है, अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया, उसी काम से आज 70 साल के बाद में भी ये देश कहां का कहां पहुंचा है सबको मालूम है। जहां सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोगों को मालूम नहीं था, आज सब कुछ इस देश के अंदर है, सबके जैन में है। पर फिर भी हमें उन लोगों से जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर। अरे कांग्रेस ने सब कुछ किया, लोकतंत्र जिंदा रखा, इंदिरा गांधी जी इंसान जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बांग्लादेश आजाद करवा दिया, 90,000 कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में, त्याग बलिदान कुर्बानी का इतिहास लंबा है, आजादी के पहले का भी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व ने 10-12 साल तक जेल में गुजारे से, वो क्या मुकाबला करेंगे। अरे मोदी जी, आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको आप सेल्फी लेते हो, किसने सिखाया आपको? राजीव गांधी ने सिखाया आपको, मोबाइल फोन नहीं आता सेल्फी लेना नहीं सीखते। इस प्रकार के आप जुमले बोल के कब तक राज करोगे, समय आ गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।